हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए शादी की हल्द्वानी मार्केट, और आपको दिखाएंगे हल्द्वानी मार्केट कैसी है और क्या क्या उसमें न्यू अराइवल है। शानू, आज मार्केट जा रहे हैं ना? हाय बोलो। हाय, मैं हूँ ड्राइवर। आधे रास्ते का ड्राइवर, पूरा नहीं। तो हम जा रहे हैं आज हल्द्वानी मार्केट शॉपिंग के लिए, क्योंकि शादी है ना घर पे बुआ की, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और चलते हैं और आपको मार्केट में दिखाएंगे हमने क्या ड्रेस लिया और किस तरह की शॉपिंग करी। तो मिलते हैं मार्केट पे, तब तक ले बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम लोग घर आए हैं और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हल्द्वानी मार्केट, और बच्चे जाएंगे अपनी नानी के घर, क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग होती नहीं है, तो इसलिए बच्चे चले जाएंगे अपने पापा के साथ नानी के घर। तो और हम सब बहुत सारे लोग हैं, चाची लोग हैं, मम्मी हैं और मेरी नंदे हैं, तो हम सब जा रहे हैं मार्केट, और ये हमारे वहाँ का रास्ता है। क्या क्या लेके आएंगे हम? बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी नानी के घर जाने के लिए, क्योंकि इनको नानी के घर बहुत पसंद है। वहाँ पे इनका प्यारा सा शैडो भी है, तो उससे मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है, और बच्चे भी हैं वहाँ मस्ती करने के लिए। तो इनको मार्केट तो ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि बच्चे वहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश हैं। हमें लगा परेशान करेंगे कि हमें मार्केट जाना है, पर नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं जाने के लिए। हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी मार्केट, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है, बच्चों को लाना यहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है मार्केट में। अभी यहाँ पे ना करवा चौथ भी आने वाला है और दशहरा भी है, तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आजकल हर जगह, मतलब आपको किसी भी सूट, साड़ी, लहंगा कुछ भी लेना है तो हर जगह डिस्काउंट मिल जाएगा करवा चौथ के उससे। तो अभी हम आए हैं शॉप पर, और यहाँ पे जो भी है शॉप वाले वो बोल रहे हैं कि वीडियोज़ नहीं बनाना है, फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींचनी है। तो चलिए देखते हैं अभी अंदर जाके कैसी है, फिर आपको दिखाएंगे जो भी हमारी शॉपिंग होगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हमने क्या लिया। हम चार पांच दुकानें घूम लिए, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दो तीन दुकानों में तो समझने में टाइम लगता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो बस यही कुछ कर रहे हैं, अभी हमने कुछ लिया नहीं है, और हम अभी देख रहे हैं लहंगे, और इतने सारे लहंगे खुलवा रहे हैं, फिर भैया बोल रहे हैं वीडियोज़ नहीं बनाना है, तो मैं कर देती हूँ अपना कैमरा ऑफ, बाकी दिखाएंगे आपको जब हम ले लेंगे सामान उसके बाद। कर रहे हैं सैंडल्स ट्राई, और हम लोग आ गए हैं अब घर को। हम काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि फास्ट भी है, तो बस थके हुए हैं सारे के सारे, और हम आ गए हैं घर को वापस। बहुत सारी शॉपिंग करी है, पूरी डिग्गी फुल है आज, और आपको दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाऊंगी मैं, शादी के टाइम पे ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी से दिखा के तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा ना कि हमने क्या लिया है क्या नहीं। कॉस्मेटिक सामान में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और मतलब सामान दिखाने को भी उनके पास टाइम नहीं है, तो हम लोग अभी आधा ही सामान लेके आए हैं, फिर हम लोग कल फिर जाएंगे मार्केट, क्योंकि एक दिन में शॉपिंग हो नहीं पाती है, कम से कम दो तीन दिन तो अच्छे से चाहिए शॉपिंग करने के लिए। तो मैं मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।